बाद वो टूटा हुआ पार्ट एक नए पार्ट को फॉर्म करे तो दैट मेथड विल बी कॉल्ड एज व्हाट फ्रेगमेंटेशन मेथड, टूटा हुआ फ्रेगमेंट छोटे से पार्ट में, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, स्पैरोगैरा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द रीजेनरेशन मेथड। इसका नाम ही देखो, री मतलब अगेन, जेनरेशन मतलब फॉर्मेशन, तो जो बार बार फॉर्म कर दे तो उस मेथड को क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेनेरिया। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी या बार बार फॉर्म होने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपके नाखून की जो सेल्स है, आप नाखून को काटो नाखून फिर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब नाखून में रीजेनरेशन का सेल एबिलिटी है। बाल को काटो बाल बढ़ जाता है हमारे, तो इसका मतलब है बाल के जो सेल्स है उसमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं, तो ऐसे जो सेल के अंदर प्रॉपर्टी होता है उसे हम रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, छिपकली की पूंछ में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या होगा, पूंछ उसकी कट गई, फिर वो जो बची हुई पूंछ होती है वो फिर से फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब उसकी पूंछ में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। आपका नाखून यहाँ से कट गया, यहाँ से आपका नाखून कट गया, तो ये नाखून फिर से आ जाता है, तो इसका मतलब ये नाखून में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। यहाँ से उंगली कट गया तो क्या उंगली नया आ जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब है कि जो उंगली की सेल्स हैं उनमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए, ये तो कुछ सेल्स के अंदर रीजनरेशन प्रॉपर्टी है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लेनेरिया, उनके हर सेल में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अब जब ये मेच्योर जाता है तो होता क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में मान लीजिए टूट गया, तो हर एक पार्ट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो लॉस्ट पार्ट है उसको वो फॉर्म कर ले। लॉस्ट पार्ट कैन बी फॉर्म्ड। जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट को, ऊपर वाले जो लॉस्ट पार्ट है उसको फॉर्म कर देगा, नीचे वाला जो है वो ये नीचे वाले पार्ट को फॉर्म कर देगा, तो एक नया प्लेनेरिया बन गया। मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो ये पूरे के पूरे प्लेनेरिया के पार्ट को, पूरे एक नए इंडिविजुअल को ये फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेनेरिया एक ऐसे एनिमल है जिसके हर सेल के अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी है या नहीं है। तो ये रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू अपने पूरे इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन मेथड। इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसा कोई साल नहीं जाता है जिसमें इससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, पहले ये समझिए। प्लांट जो होता है, प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, प्लांट के कॉमनली तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक स्टेम होता है, रूट होता है और एक लीफ होता है। एक पार्ट और होता है फ्लावर्स। फ्रूट्स आर नॉट पार्ट, दे डेवलप फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है। ये चार पार्ट होते हैं। इनमें जो ये फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो ये तीन है ये वेजिटेटिव पार्ट है, तो ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन यदि यही वेजिटेटिव पार्ट से एक नया इंडिविजुअल बनने लगे तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहने का मतलब होता है द मेथड इन विच ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। तो यदि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट एक न्यू प्लांट को फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, दो तरह का।
एक तो होता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में व्हेन ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व हुए जब एक वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या, रूट स्टेम लीफ, इनमें ये किसी एक नए प्लांट को फॉर्म कर दें, तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे मान लीजिए स्टेम है, स्टेम है, तो स्टेम का एग्जांपल है पोटैटो। जैसे अब ठंड आ रही है, आप एक आलू को ऐसे छोड़ दो, ठीक है, तो आप देखोगे जैसे मान लीजिए आलू है, तो आलू में छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम देसी लैंग्वेज में आइस कहते हैं। ठीक है, यदि इस ठंड में आप इसे छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि यहां से एक छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पौधे हैं ये एक नए प्लांट में, पोटैटो के प्लांट में भी डेवलप हो रहा है, तो इसमें आपने क्या किया, कुछ नहीं, ये तो नेचुरली अपने आप हुआ है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक एग्जांपल है या नहीं? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इससे होता है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, स्टेम रूट लीफ से, उसके लिए एक बर्ड का होना बहुत जरूरी है। ये जो आई कह रहे हो ना आप, ये बेसिकली क्या है, बर्ड्स। बर्ड्स वो एरिया होते हैं जहां पर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे देखिए एक बेबी हनी लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स एक सिंगल सेल से डेवलप हुआ है। पहले एक जायगोट होता है, जायगोट डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फिर वो सेल्स जो होते हैं उनमें कुछ सेल्स जो होते हैं वो हमारे मसल्स बनाते हैं, कुछ सेल्स बोन बनाते हैं, कुछ सेल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने के, तो वो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब होता है कि स्टार्ट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, स्टार्ट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहां पर ये पहले अनडिफ्रेंशिएटेड है, उसके बाद ये लीफ में, स्टेम में, रूट में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक नया प्लांट परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसा यदि होता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, यदि कहीं पे भी एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमेशा याद रखना वहां पर इन्वॉल्व क्या है, एक बर्ड। क्या इन्वॉल्व है? एक बर्ड। एक बर्ड कहने का मतलब है ये बर्ड है, और ये किस चीज का बना हुआ है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने जो डाउट है वो पहले पूछ लीजिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसके है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।